हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए आगे क्या होने वाली है। यूनिवर्स आपकी किस्मत में आगे क्या लिख रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। और ये कुछ 5-6 दिन के लिए ही रीडिंग होने वाली है। लाइक 5-6 दिन की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेंगे, बहुत आगे तक की इन्फॉर्मेशन नहीं पता करेंगे, ठीक है? तो यूनिवर्स आने वाले 5-6 दिनों में आपके लिए क्या लिख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है? तो ये हम पता लगाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग ना टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं आप देख सकते हैं ये रीडिंग, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग बुक कराना है। प्राइजेज और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। द फूल, थ्री ऑफ कप्स, द मून, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और साथ में चैरियट का कार्ड है। ओके, यहाँ से स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो, आने वाले इस वीक में या आने वाले 5-6 दिनों के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ बना के रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना, वो इसलिए है कि आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा मदर इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। मदर के साथ कुछ इश्यूज़ आपके बन सकते हैं, ठीक है? फिर चाहे वो आपकी मदर इन लॉ है या फिर आपकी मदर हैं, आप थोड़ा सा उनके साथ अच्छे से बात करना। अगर वो थोड़ा सा आपके साथ नाराज़ हो जाती हैं या फिर थोड़ा आपके साथ उनका अगर बातें बन नहीं पाएंगी, तो आपको ये समझना है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, दैट इज़ वाई वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मतलब बहुत पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी मदर हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो भी आप दोनों के बीच में अनबन हो, तो उसको ना क्लियर कर देना और ज़्यादा दिल पर बातों को मत लेना। पहली बात तो ये आ रही है। दूसरा गाइज, आपकी लाइफ में ना कुछ न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिख रही है, कुछ नए आइडियाज़ आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो इम्प्लीमेंट आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और एक ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है, सेलिब्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भेज रहे हैं, इवेंट्स भेज रहे हैं, ठीक है? और ना आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो अभी आप देख रहे हो ना, वो भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ कुछ 3-4 दिन और, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अच्छा ही टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, विक्ट्री अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे पाथवेज आपके लिए खुल रहे हैं। तो आने वाला टाइम आपके, अगर आप अभी भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स में हो, तो वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि वो टाइम अभी जो टाइम आप देखोगे आने वाला, वो अच्छा होगा। अकेलापन जितना भी फील करते हो, मुझे नहीं लगता अब और फील करोगे। वाई? बिकॉज आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा मम्मी के साथ आपका थोड़ा सा देख लेना बस, वो आप अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर आपको कुछ कह रही हैं, तो आप समझने की कोशिश करना कि उनका बिहेवियर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है? तो आप उस चीज़ को फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? ऐसे यहाँ पर आ रहा है आपके लिए अभी तक तो। और देखते हैं और क्या है आपके लिए। आप कुछ न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। गिल्ट, गॉसिप, गॉसिप मत करना आप ज़्यादा। गाइस, अब टाइम आ गया है कि आप अपने सीक्रेट्स या अपने बहुत प्राइवेट लाइफ जो है आपकी, वो आप किसी के साथ शेयर ना करें,
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आ रही है, ये मैसेज आ रहा है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको गिल्ट होगा, आपको अपने ही किए कराए पे, जैसे कि ये इंसान काम करता हुआ गिल्ट में है ना, अपने ही किए कराए पे आपको गिल्ट होगा। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा रिवील बातें नहीं करनी है, अपने जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ आपकी अगर कोई लव लाइफ है, आपकी बहुत ज़्यादा जो आप मत बताओ अपने कनेक्शन के बारे में किसी को भी, ठीक है, किसी के साथ कोई गॉसिप नहीं करनी। परफेक्शन पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, और ये जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज कर दो। और कंप्लीशन, तो ये फेज बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, और आपको विजडम, अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, परफेक्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है, रिकवरी भी फास्ट हो रही है। क्योंकि देखो, एक दो चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो, बाकी तो सब चीज़ें ठीक ही हो रही है। एक तो आप गॉसिप ना करो दूसरों के साथ, अपने बहुत जो आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं उनको रिवील ना करो। दूसरा, थोड़ा सा मदर के साथ देख लेना, आपकी बातचीत ख़राब ना हो। और बाकी न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ तो विक्ट्री आ रही है आपके पास, ठीक है, अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और जितना भी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो, वो 2-3 दिन में और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो बी पॉजिटिव। यहाँ डिसेप्शन, सेपरेशन, वर्थ वेटिंग फॉर, मेक द एफर्ट, वेडिंग, लव योर सेल्फ फर्स्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखो, यूनिवर्स बोल रहे हैं, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हो और बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हो, तो आप अपने कनेक्शन के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहिए एकदम। ब्लैक एंड व्हाइट कलर यहाँ भी दिख गया। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ मीन्स आपको टेंशन नहीं लेनी है, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सो दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। हाल फिलहाल तो डिसेप्शन है आपके पार्टनर में, जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो अभी, ठीक है। यूनिवर्स, जिस भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, यूनिवर्स बता रहे हैं उस इंसान में अभी डिसेप्शन है, वो चीज़ें छुपा रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एक तरीके से सेपरेशन जैसा फेज आ गया है। बट ये सेपरेशन कोई बहुत ऐसा मेजर सेपरेशन नहीं है कि आप कभी बात दोबारा नहीं करोगे। एफर्ट्स तो देखो लगाए जाएंगे आगे फ्यूचर में। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, डिवाइन विल गाइड यू गाइज, बोथ ऑफ यू, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लियर मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, वर्थ वेटिंग फॉर, आप वेट कर सकते हो। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, बिकॉज आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन के कंट्रोल में है। आप चाहकर भी कुछ स्टेप्स नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो इसीलिए ये एक सिचुएशन जो है ये वेडिंग तक ही लेकर जाएगी। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ठीक है, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है, और अच्छे काम करो, अपने फ्यूचर को बनाओ, और वेट करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, चीज़ें सारी अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, सारा ध्यान सिर्फ कनेक्शन पर ही डाल देते हैं, उनको ये नहीं दिखता कि कनेक्शन के अलावा भी तो आपके बहुत सारे काम है ना, आपको आपका खुद का कुछ पर्पस हो सकता है जिसको आपको पूरा करना है, तो आप सारा टेंशन एक चीज़ को क्यों दे देते हो। दैट इज़ वाई फिर डिवाइन कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि आप अपने काम करो भाई, दूसरे काम भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, उन्हें जब तक नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, आपको अपने पर्सनल ग्रोथ भी तो देखनी है ना, तो वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए इन्वॉल्व। तो अपने ऊपर काम करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपने कनेक्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक रहकर वेट कर लो, आगे जाकर फिर वेडिंग ही होनी है आपकी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहो। गाइडेंस मैं देख लेती हूँ आपके लिए।
टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर, लॉ ऑफ कर्मा, एंड स्टे कनेक्टेड विद इन, डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करो, सबसे अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, ठीक है, और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा टेंशन ना लो, ओवर थिंकिंग ना करो, लॉ ऑफ कर्मा चल रहा है आपके लाइफ में, और जितना जल्दी जल्दी आपके कर्म क्लियर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा ईजी आपकी लाइफ होती जाएगी, बट अच्छे कर्म आगे क्रिएट करो, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।